गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ मिक्सचर के चैप्टर के साथ। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर है, तो मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। मिश्रण का मतलब है जब दो या तीन चीज़ें आपस में मिलाई जाएं, तब हम उसको मिक्सचर बोलेंगे। जैसे दूध में पानी मिला दिया गया, दूध में चीनी मिला दी गई, दूध में और कुछ मिला दिया गया, शराब में पानी मिला दिया गया, तो हम उसको मिश्रण बोलेंगे। और दोनों का कुछ ना कुछ रेशियो होगा, और रेशियो बदलता रहता है। जब हम मिक्सर उसमें से कुछ मिश्रण निकाल लेते हैं और कुछ डाल देते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फ़िलहाल आज तो आपके 5 ही क्वेश्चन हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक मिश्रण में 45 लीटर का एक मिश्रण है, 45 लीटर जो है टोटल जो मिश्रण है वो 45 लीटर है, और उस वो जो मिश्रण है वो मिल्क और वाटर का है। और उसका जो रेशियो है वो 3:2 के अनुपात में है। दूध और पानी का अनुपात दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना पानी इसमें मिला दिया जाए कि नया अनुपात 9:11 हो जाए। पानी राइट साइड में है, कितना पानी मिला दिया जाए कि नया अनुपात 9:11 हो जाए। कुल मिश्रण 45 है दूध और पानी का, और दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। उसमें कुछ पानी मिलाया जा रहा है, न कि दूध मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो नया अनुपात 9:11 हो जा रहा है। तो ये कन्फर्म है कि दूध इसमें नहीं मिलाया जा रहा है। पुराने जो मिश्रण है उसमें दूध नहीं मिलाया जा रहा है। जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही है, उसका अनुपात वही रहना चाहिए, उसका अनुपात नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें आपको आपके पुराने मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है, पूछ रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 9:11 हो जाए। दूध नहीं मिलाया जा रहा है, तो दूध का रेशियो जो पहले था वही बाद में भी होना चाहिए। तो दूध का रेशियो पहले 3 था, अब 9 हो गया। तो दूध का रेशियो जो है, या तो बाद वाले को 9 कर दीजिए, या तो पहले वाले रेशियो को सॉरी या तो बाद वाले रेशियो को 3 कर दीजिए, या तो पहले वाले रेशियो को 9 कर दीजिए। तो पहले वाले जो रेशियो है, जो पहला वाला रेशियो है, उसको हम काट के 3 से गुणा कर दें। अगर 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, और बाद वाला रेशियो 9:11 है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका 6 होगा, ठीक है। तो दूध का जो रेशियो है वो नहीं बदल रहा है, क्योंकि दूध मिलाया ही नहीं गया है। तो जो रेशियो पहले था वही रेशियो बाद में होना चाहिए। अगर नहीं है बराबर, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं निकाली गई है या नहीं मिलाई गई है। अब हम आते हैं पॉइंट पे। अब हम देख रहे हैं कि दूध का जो रेशियो है, पहले 6 था, पहले तो खैर 2 था, लेकिन आपने बराबर किया तो अब 6 हो गया, ये दोनों कट गए, ठीक है। अब पहले का जो अनुपात है वो 9:6 है, ना कि 3:2, ठीक है, बदला हुआ रूप है। और बाद में जो अनुपात हुआ है पानी मिलाने के बाद, वो 9:11 हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी कितना मिलाया गया, पहले 6 रेशियो पानी था, ये वाटर का है, पहले 6 रेशियो पानी था, अब कितना रेशियो पानी हो गया, 11 रेशियो हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, +5 की वृद्धि हो गई, मतलब +5
रेशियो पानी मिलाया गया। ठीक है, पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि 9:11 हो जाए, तो +5 रेशियो पानी मिलाया गया। अब एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो जो पहले वाला अनुपात है, जो पहले वाला आपका अनुपात है 9:6, तो 9 रेशियो आपका दूध है और 6 रेशियो आपका वाटर है। ठीक है, पहले वाला अनुपात 3:2 नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये लिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों से 5 रेशियो निकला है, ना कि इन दोनों से। तो पानी की बढ़ोतरी हुई 5 रेशियो। ठीक है, अब एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आपका 9 जो है, 9 रेशियो क्या था? मिल्क है, और 6 रेशियो क्या था? वाटर। तो 9, 6, 15 रेशियो टोटल मिक्सचर का रेशियो हो गया, और टोटल जो मिक्सचर है वो कितना था? 45 लीटर था। तो 9, 6, 15 = 45, एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, और 5 रेशियो पानी मिलाया गया, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 × 5 मतलब 15 लीटर, 15 लीटर पानी मिलाया गया, ये आपका आंसर हो गया। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समय बहुत ही कम हो जाएगा। नाउ वी लुक सेकेंड क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर, के एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 4:1 है। ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी मिला दें कि नया मिक्सचर 3:2 हो जाए? तो हम पानी मिलाएंगे, न कि दूध। तो दूध जब हम मिलाएंगे ही नहीं, तो दूध का रेशियो क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो दूध का रेशियो हम बराबर कर दें, 3 की गुणा पहले में कर दें, 4 की गुणा इसमें कर दें, तो दोनों की रेशियो बराबर हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, 3 × 12, 3 × 3, 4 × 3 = 12, और 4 × 2 = 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुराना रेशियो, जो कि पहले 4:1 था, अब हो गया 12:3, और 3:2 जो है ये हो गया 12:8। अब ये दोनों का कोई महत्व नहीं। तो जो 45 लीटर जो मिक्सचर है दूध और पानी का, उसका जो रेशियो है वो 12:3 है, ना कि 4:1। ठीक है, तो दूध हमने मिलाया ही नहीं, इसलिए पहले भी 12 रेशियो दूध था, अब भी 12 रेशियो दूध है। पानी कितना था आपका? पहले 3 रेशियो, अब पानी कितना है? 8 रेशियो। तो पानी कितना बढ़ गया? 5 रेशियो बढ़ गया। बट पानी लीटर में बताना है कितना हमने जोड़ा। तो पहले जो है मिक्सचर जो है, उस मिक्सचर का 45 लीटर मिक्सचर का रेशियो कितना था? 12:3, ना कि 4:1, क्योंकि हमने बराबर करके इधर नया रेशियो निकाला है। तो पुराना रेशियो 12:3 है, तो 12 और 3 कितना होगा? 15 रेशियो, 15 रेशियो = 45, 15 रेशियो = 45, 1 रेशियो = 3, 1 रेशियो की वैल्यू 3 लीटर। तो हमने पानी कितना बढ़ाया? 3 था और 8 हो गया, 5 बढ़ाया, 5 × 3 = 15, 1 रेशियो की वैल्यू 3 आ गई, 3 × 5 = 15, 15 लीटर हमने पानी ऐड किया। आवर थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2। पेट्रोल और केरोसिन इन द कंटेनर, एक डिब्बा है जिसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल है, वो भी 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, किसी डिब्बे में पेट्रोल और केरोसिन रखा हुआ है, और वो मिला के रखा हुआ है, और जो मिलाया गया है उसका अनुपात है 3:2। 10 लीटर उसमें से निकाल लिया गया। जब भी किसी मिश्रण से हम कुछ भी लीटर निकालते हैं, क्योंकि जब केरोसिन और पेट्रोल मिला हुआ है तो हम उसमें अलग अलग तो निकालेंगे नहीं। ठीक है, जब निकालेंगे तो दोनों बराबर मात्रा में, बराबर रेशियो में बाहर आएगा। ठीक है, मिलाएंगे तो सिंगल मिलाएंगे, लेकिन जब निकालेंगे तो निकालने के बाद भी जो मिश्रण बचेगा उसका भी रेशियो उतना ही होगा। वेट बदल सकता है,
दोनों का भार बदल सकता है, क्योंकि जब 10 लीटर निकाल लिए तो उसका आयतन चेंज हो गया, भार चेंज हो गया, लेकिन दोनों दोनों पदार्थों का या दोनों लिक्विड का जो रेशियो है वो नहीं चेंज होगा। तो पेट्रोल और केरोसिन कंटेनर में रखा हुआ है, 3:2 में वो मिला हुआ है, उसमें से जब हम 10 लीटर मिक्सचर निकाल लेंगे तब भी वही अनुपात होगा जो पहले था। इसमें से हमने 10 लीटर निकाल लिया, इसमें से हमने 10 लीटर निकाल लिया तब भी वही अनुपात होगा, 3:2 पहले भी था, 3:2 अब भी रहेगा, ठीक है। वेट कम हो जाएगा क्योंकि ये 3:2 अलग है और ये 3:2 अलग है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 20 रुपये हैं, तो अनुपात कितना हुआ, 1:2 हुआ। अब हमारे पास 15 रुपये हैं और आपके पास 30 रुपये हैं, तो अनुपात कितना हुआ, अभी भी अनुपात वही है। अनुपात बराबर हो सकता है लेकिन मात्रा बढ़ गई, हमारे पास 15 हो गया और आपके पास 30 हो गया, तो वही चीज़। कंटेनर में केरोसिन पेट्रोल 3:2 में रखा हुआ है, उसमें से 10 लीटर हमने निकाल लिया तो वेट कम हुआ, उसका आयतन कम हुआ, लेकिन रेशियो वही रहा, तो 3:2 ही रहा 10 लीटर निकालने के बाद, ठीक है। अब 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद उसमें केरोसिन मिला दिया गया, इसमें 10 लीटर केरोसिन मिला दिया गया, 10 लीटर केरोसिन मिलाया गया और अनुपात हो गया 2:3, ठीक है। पुराना अनुपात था, जिस अनुपात में बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन रखा हुआ था वो 3:2 था। 10 लीटर जब हमने मिक्सचर निकाल लिया तब भी अनुपात वही रहेगा, 3:2, वेट बदल सकता है, आयतन बदल सकता है। फिर तीसरे स्टेप में हमने 10 लीटर केरोसिन मिला दिया, मिट्टी का तेल मिला दिया, ठीक है। तो जब हमने उसमें 10 लीटर मिट्टी का तेल मिला दिया, हमने 10 निकाला और 10 फिर मिला दिया, तो वेट उतना ही हो गया, वॉल्यूम उतना ही हो गया जितना कि पहले था, लेकिन रेशियो बदल गया। किसका रेशियो बदल जाएगा, केरोसिन का बदल जाएगा, क्योंकि हमने केरोसिन मिलाया है। हमने पहले 10 लीटर मिक्सचर निकाला था और उस मिक्सचर में दोनों चीज़ें समान मात्रा में निकल रही हैं, तो दोनों रेशियो वही रहा, नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम 10 लीटर केरोसिन मिलाएंगे तो केरोसिन का रेशियो बदल जाएगा लेकिन पेट्रोल का रेशियो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रारंभिक अनुपात जो है वो 3:2 है, बाद वाला जो अनुपात है 2:3 है। तो प्रारंभिक अनुपात चाहे इसको कह लीजिए चाहे इसको कह लीजिए, हालांकि प्रारंभिक अनुपात यही है। तो आप देख रहे हैं जब 10 लीटर केरोसिन मिलाया गया तो अनुपात हो गया आपका 2:3, ठीक है। तो जब 10 लीटर केरोसिन मिलाया गया तो केरोसिन का रेशियो बदलना चाहिए, पेट्रोल का नहीं बदलना चाहिए। लेकिन पेट्रोल का पहले कितना है, 3 है, और अब कितना है, 2 है। तो इसको बराबर करना होगा, 2 की गुणा उसमें करनी होगी, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, और 3 की गुणा इसमें करनी होगी, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ये नया रेशियो बन के आया और ये कट गया, ये आपका कट गया, ये नया रेशियो बन के आया पेट्रोल और केरोसिन का। पेट्रोल का बराबर हो गया क्योंकि पेट्रोल हमने डाला ही नहीं। अब जो है कितना केरोसिन बढ़ गया, 5:5 बढ़ गया केरोसिन, केरोसिन 5:5 बढ़ाया गया था, या कह लीजिए 10 लीटर केरोसिन बढ़ाया गया था, या कह लीजिए 5:5 केरोसिन मिलाया गया, 5:5 केरोसिन मिलाया गया, ठीक है। 1:5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे जो है
10 लीटर जो है मिलाया गया और रेशियो में कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। तो 5 रेशियो में केरोसिन जो है बढ़ा, और आपने मिलाया कितना था? 10 लीटर मिलाया था, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर की कुल मात्रा बताइए, मतलब जो मिक्सचर है उसकी कुल मात्रा बतानी है। तो कुल रेशियो में कितनी मात्रा होगी? कुल रेशियो में ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो वो मात्रा है जब 10 लीटर हम केरोसिन मिला लिए थे, ठीक है। तो जब हम 10 निकाल के 10 मिला दिए तब जाके वॉल्यूम में बराबर हुआ, तो 9 6 15, ये 15 रेशियो मिक्सचर की कुल क्वांटिटी है। एक रेशियो की वैल्यू 2 आई है, तो 15 रेशियो वैल्यू 15 × 2 30, 30 लीटर आ जाएगी। मिक्सचर की क्वांटिटी 30 लीटर थी। चौथा क्वेश्चन, 75 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर है, 75 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 4:1 है, 4:1 है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 हो जाता है। कितना पानी मिलाएं तब? कितना पानी मिलाएं अगर, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 हो जाए। तो कुल मात्रा तो 75 लीटर हो गई, दोनों का टोटल 75 लीटर है। प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक रेशियो भी दिया है 4:1। पानी कितना मिलाएं कि नया रेशियो 3:1 हो जाए? तो हमने पानी मिलाया ना कि दूध मिलाया, ठीक है। तो दूध का रेशियो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दूध हमने मिलाया नहीं है। तो दूध का रेशियो बराबर करें, 3 की गुणा उसमें कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 की गुणा इसमें कर दीजिए, 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है। दूध बराबर हो गया और वाटर ये हो गया आपका। अब वाटर जो है आपका कितना रेशियो बढ़ा? 1 रेशियो बढ़ा। 1 रेशियो वाटर हम जब मिलाएंगे तो जो नया रेशियो है वो आपका 3:1 हो जाएगा। लेकिन 1 रेशियो को लीटर में कन्वर्ट करिए, 1 रेशियो की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये रेशियो ओल्ड हो गए, ये नहीं माने जाएंगे। ये आपका प्रारंभिक रेशियो है, ये आपका बाद वाला रेशियो है। तो प्रारंभिक रेशियो 12:3, 12:3 कितना हो गया? 15। 15 रेशियो की वैल्यू 75 के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर, 15 5 75। तो 1 रेशियो आपने पानी मिलाया, मतलब 5 लीटर आपने पानी मिलाना होगा, तब जाके अनुपात बाद वाला हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। अ मिक्सचर ऑफ 150 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 20% वाटर, 20% वाटर है। पहले तो टोटल जो आपका मात्रा है 150 लीटर है, 150 लीटर का एक घोल है, मिक्सचर है, मिश्रण है, जिसमें वाइन और वाटर है, वाइन है और वाटर है, ठीक है, वाइन और वाटर है। 20% आपका वाटर है, ठीक है। तो 80% वाइन होगा, तो 20 चौके 80, 1 और 4 का रेशियो है, ठीक है, 1 और 4 का रेशियो है। अब उसमें कह रहा है कि कितना पानी उसमें मिला दें कि वाटर बिकम्स 25%, पानी जो है वो 25% हो जाए, तो वाइन जो है 75% हो जाएगी, तो वाटर जो है 25 × 75, 1:3 का रेशियो हो जाए, ठीक है। वाटर कितना उसमें पानी मिला दें
कितना उसमें पानी मिला दें कि पानी जो है नए मिक्सचर का 25% हो जाए, तो 75% जो है आपका वाइन हो जाएगी। तो एक और तीन का रेशियो हुआ 25 से कम 25, 25 से 75। तो हमने मिलाया क्या, हमने मिलाया वाटर, मोर वाटर शुड बी एडेड। हमने वाटर मिलाया, वाटर का रेशियो बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ वाइन का रेशियो बदला हुआ हमें दिख रहा है और हमें उसे बराबर करना होगा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो अब हमारा जो शराब का रेशियो है बराबर हो गया, क्योंकि शराब हमने निकाली ही नहीं और शराब न तो मिलाई ही, शराब हम निकाल भी नहीं सकते सिंगल क्योंकि मिल चुका है। तो शराब हमने मिला ही नहीं, इसलिए शराब का रेशियो बदलना नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको बराबर कर लिया। अब यहाँ पे पानी का जो रेशियो है वो कितना बढ़ा, प्लस वन रेशियो हमें पानी मिलाना होगा, यही आंसर है। लेकिन हमें लीटर में बताना है तो एक रेशियो को वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्रारंभिक रेशियो 12 और 3 है, मिक्सचर का टोटल वैल्यू 150 है, 12 और 3 15, 15 बराबर 150, ठीक है, 15 रेशियो की वैल्यू 12 3 15 रेशियो वैल्यू 150। तो एक रेशियो की वैल्यू 150 बटे 15, 15 दाम 150, एक रेशियो वैल्यू 10 आ गई 10 लीटर। और आपने पानी कितना मिलाया, एक रेशियो मिलाया, तो 10 रेशियो वैल्यू 10 लीटर, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका ये मिश्रण का कॉन्सेप्ट था। आगे हम फिर मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।